हमने डेडिकेट किए थे सिर्फ कोविड के लिए। और लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, इस साल मार्च अप्रैल में थर्ड वेव के दौरान उन 240 बेड्स पे रूटीनली 260 270 पेशेंट्स, अक्यूटली इल पेशेंट्स, क्रिटिकली इल कोविड के पेशेंट, ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट्स को हम लोग मैनेज करते रहे थे, प्रोफेसर बिल्किस, उनकी टीम और हमारे जो मेडिकल यूनिट्स थे। और उसके बाद फिर जब वो थोड़ी सी वेव सबसाइड हुई थी तो द नंबर वेंट डाउन। कल का जो मैंने नंबर देखा है कि तकरीबन 185 190 दोबारा पेशेंट्स हमारे पास, क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो सिवियरली ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, आईसीयू की हेल्प की जरूरत है, वो फिर से, और वो नंबर जो है वो ग्रेजुअली फिर इंक्रीज कर रहा है जब से डेल्टा वेरिएंट जो कोविड का है वो फैल रहा है। हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो 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 फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन पे प्रेशर कोविड की वजह से कम हुआ ही नहीं है। बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, दोबारा बढ़ जाता है। और जाहिर है कि हमने देखा भी है कि कितने डॉक्टर हमारे बीमार हुए हैं, बहुत से हमारे डॉक्टर इंक्लूडिंग सीनियर डॉक्टर्स हमारे इस बीमारी की वजह से शहीद भी हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हुए हैं, वो सब चीज़ें। लेकिन ये कि ये एक मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक ऐसा चैलेंज है मेंटल हेल्थ के हवाले से, बिकॉज ये चीज़ तो वेल डॉक्यूमेंटेड है कि अगर आपको, और ये भी ग्लोबल एक फिनोमेना है कि अगर आपको कंटिन्यूसली आपको आईसीयू में काम करना पड़ रहा है, कोई आपको टाइम ऑफ नहीं मिल रहा, कोई आपको रिलीफ नहीं मिल रही है, तो उससे हेल्थ केयर वर्कर्स की अपनी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। उनमें पहले तो जाहिर है कि फटीग और वो सारा शुरू होता है, फिर एक बर्नआउट का फिनोमेना शुरू हो जाता है, उसकी बात कर लेंगे, और फिर वो चीज़ अगर बढ़ती जाए तो फिर वो मेंटल हेल्थ के डायग्नोजेबल इश्यूज या मेंटल इलनेस जिसको आप कह लें, वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। डिप्रेशन, एंगजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये वो सारे मसाइल जो फिजिशियन कम्युनिटी या हेल्थ केयर कम्युनिटी को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जाहिर है कि अगर डॉक्टर कम्युनिटी में, जाहिर है हम लोग इम्यून तो नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाता है, हमारी अपनी फैमिली से, हमारे साथ मेरी अपनी फैमिली, सब लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे थर्ड वेव में, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सब रिकवर कर गए। लेकिन प्रोफेसर बिल्किस इस चीज़ से डील कर चुकी हैं, इनकी अपनी फैमिली में कुछ इस तरह के हादसे हुए हैं। अब जाहिर है कि अगर हमारी अपनी फैमिली भी एक्सपोज्ड है, हम भी एक्सपोज्ड हैं, काम का बर्डन है, फैमिलीज का, बहुत सारी चीज़ें, तो उससे हमारी अपनी मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ जो है वो इस कदर इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से फिर पेशेंट्स की जो जो हमने केयर करनी होती है उसमें उसमें असर आ जाता है। थोड़ी सी बात मैं टेलीसाइकाइट्री की कर लेता हूँ। प्रोफेसर बिल्किस उसको हेड कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर गोंदल साहब। ये आई बिलीव प्रोफेसर बिल्किस कैन करेक्ट मी, बट ये तकरीबन 20 मार्च या 23 मार्च को जब पहला लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो गवर्नर पंजाब चॉइस सर्विस साहब ने, हमारे चांसलर किंग एडवर्ड के, उन्होंने हमारे वीसी साहब को, प्रोफेसर गोंदल साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप ये सर्विस शुरू करें। इस पर डिस्कशन पहले हो चुकी हुई थी, ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए एज एन ऑल्टरनेटिव। मैंने पहले बात की कि हमारे बहुत से पेशेंट्स मेयो हॉस्पिटल के पेशेंट्स, बिकॉज हम एक टर्शरी केयर रेफरल सेंटर है जहाँ जो पूरे पंजाब को, यानी वहाँ से हम, हमारा कैचमेंट एरिया ऑलमोस्ट पूरा पंजाब ही है, कम से कम नॉर्दर्न पंजाब तो है ही हमारा कैचमेंट एरिया, तो बहुत बहुत दूर से लोग चल के आते हैं। और जाहिर है कि चल के आना 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ट्रैवल, वो उनको प्रॉब्लम हमेशा होती है। कोविड के ज़माने में क्योंकि लॉकडाउन लग गए थे, ट्रैवलिंग का इशू था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, तो इसके लिए फिर गवर्नर साहब ने हमें, इसी साहब को, हमारे गोंदू साहब को रिक्वेस्ट की कि आप टेलीसाइकेट्री सर्विस शुरू करें, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी जिसके थ्रू हम डॉक्टर्स जो हैं वो किंग एडवर्ड में होंगे, और वी कैन प्रोवाइड रिमोट सर्विसेज, वर्चुअल सर्विसेज फॉर पेशेंट इन रिमोट एरियाज, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है स्मार्टफोन्स के जरिए वो सारी चीज़ें, कि हम किंग एडवर्ड में रह के, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए हम पंजाब को, बल्कि इंटरनेशनली भी हम डील कर सकते हैं। और वो टेली मेडिसिन सर्विस जो है, वो टेली मेडिसिन सर्विस शुरू हुई राइट आफ्टर लॉकडाउन, विद इन 2-3 डेज मैंने गोंदू साहब को रिक्वेस्ट की कि इसका टेली साइकाट्री कम्पोनेंट भी शुरू करें, बिकॉज मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा हुआ है अमेरिका, मैंने टेली साइकाट्री में काम किया हुआ है। गोंदू साहब वाज वेरी सपोर्टिव, फौरी तौर पर उनका शुरू करें। सो वी एडेड द टेली साइकाट्री कंपोनेंट टू द टेली मेडिसिन सर्विस, और वो टेली मेडिसिन सेंटर उस वक्त से अब तक वो फंक्शनल रहा है और अब चल रहा है, और अब तक वैसे बिल्किस कैन गिव यू स्टैटिस्टिक, बट आई थिंक जो 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 जिन पेशेंट्स को सर्विस दी गई है वो मेरा ख्याल 10-12-15 हज़ार से ज़्यादा ही हैं जिन्होंने हमें एक्सेस किया है। और जाहिर है टेली साइकाट्री या टेली मेडिसिन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट्स जो हैं वो जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो हमारे पास कॉल्स ना सिर्फ पूरे पंजाब से आती हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से कॉल आती हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी जो एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है, पाकिस्तानियों की, गल्फ में जो बैठे हुए हैं, जो यूरोप में बैठे हुए हैं, इंक्रीसिंग नंबर जो है वो वहाँ से भी हम लोगों को, अब इवन अमेरिका से वो कॉल करते हैं और सर्विसेज, और हमारे पास हर स्पेशलिटी वहाँ रिप्रेजेंटेड है। टेली मेडिसिन तो है ही, टेली साइकाट्री भी है, टेली न्यूट्रिशन भी है, कोरोना की सर्विसेज तो मौजूद ही हैं, टेली कोरोना सर्विसेज मौजूद हैं, तमाम स्पेशलिटीज, गायनी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो उस पर हम सर्विसेज कंटिन्यूसली पिछले 1-1.5 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं।
और वो ऑन गोइंग सर्विसेज हैं जो अभी चल रही हैं और उसको उसको हेड और ये गवर्नर साहब ने जो स्पेशल अवार्ड प्रोफेसर बिल्कीस को दिया है, इट इज इन रिकग्निशन ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू द टेली मेडिसिन सेंटर ऑफ केई अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर साहब और हमारे वाइस चांसलर साहब। थोड़ी सी बात एक मैं आपको अगर स्क्रीन शेयर कर लूँ, 5-7 मिनट में और लूंगा, उसके बाद एक डिस्कशन कर लेते हैं। मुलाजिम साहब ने स्पेशली मुझे कहा था कि थोड़ी सी बात हमने करनी है एक ऐसी कंडीशन की, ऐसी इवेंचुअलिटी की जो सभी डॉक्टर्स फेस करते हैं, और वो इवेंचुअलिटी ये है कि किस केस में हमने पेशेंट्स को वेंटिलेट करना है, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी आ रहा है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है अपनी, कोई कंफर्म कर देंगे फॉर्म आपको नजर आ रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि इसकी ये मामला शुरू कहां से हुआ था। सो कोविड में बहुत सी डिस्कशन हुई है वेंटिलेशन और वेंटिलेटर और इस किस्म की चीजें। जाहिर है कि अब फोर्थ वेव में हमारे पास माइल्ड या मॉडरेट केसेस अक्सर नहीं आते, बिकॉज अब होम बेस्ड केयर कोविड की चल रही है। हमारे पास सीरियसली या क्रिटिकली इल पेशेंट्स ही आते हैं जिसमें ये यानी सवाल आता है कि पेशेंट को वेंटिलेट या वेंटिलेटर पे कब डालना है, करना है या नहीं करना है। ये डिस्कशन हमने शुरू की थी तकरीबन कोई 6 माह पहले। मेरी अपनी पर्सनली फैमिली में एक सानिया हुआ था, एक हमारे रिलेटिव थे मेरी बेगम के, जो ही वॉज एल्डरली, 90 ईयर्स ओल्ड, उनको कोविड हुआ, फिर वो दाखिल हुए, फिर वो इंतकाल हो गया उनका। उस दौरान में ये पहले भी डिस्कशन चल रही थी, और प्रोफेसर बिल्कीस और हमारे जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ मेरी डिस्कशन अपनी चल रही थी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ अमेरिका में इसका रहा हुआ है कि जो जो लाइफ सेविंग मेजर्स हैं या जो टर्मिनल लाइफ सेविंग मेजर्स हैं, जिस तरह वेंटिलेशन है या बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं, किस स्टेज पे और किस पेशेंट को वेंटिलेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और आपने जब पेशेंट को एडमिट किया है सीवियरली इल पेशेंट को या क्रिटिकली इल पेशेंट को, तो आपको फैमिली से क्या डिस्कशन करनी चाहिए इन केस पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन इतनी ड्रॉप कर जाए कि वो सिर्फ मास्क से या दूसरे मेजर से वो चीज़ नहीं हो रही। सो वेंटिलेशन तो मैकेनिकल वेंटिलेशन तो ऑफकोर्स एक लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन उससे पहले भी बहुत से ऐसे यानी स्टेप्स हैं जिससे आपने गुजरना होता है। और इन जनरल प्रोफेसर बिल्कीस कैन गिव अस द एग्जैक्ट फिगर, बट इन जनरल मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के आउटकम्स एटलीस्ट हमारे पब्लिक सेक्टर में को बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। उसमें सर्वाइवल रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है फॉर वेरियस रीजंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ये वो। तो ये फॉर्म जो हमने अडेप्ट किया था एक और जगह से, ये फॉर्म जो है ये स्पेल आउट करता है कि कौन से लाइफ सेविंग मेजर्स आपने इस्तेमाल यानी पेशेंट की फैमिली अलाउ करेगी, कौन सी नहीं करेगी। इसमें समझने की बात यह है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की हम बात करते तो हैं अक्सर, लेकिन आमतौर पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट को एक क्या कहना चाहिए, एक खाना पूरी समझा जाता है कि आप पेशेंट से कहते हैं यहाँ साइन करते हैं, उनको समझाए बगैर या फैमिली को समझाए बगैर कि वो क्या साइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब बात आती है कि आपने पेशेंट को वेंटिलेट करना है या नहीं करना, और ये बाकी लाइफ सेविंग मेजर, और हमारे पिछले एक साल में 2-3 हमारे अपने पर्सनल केसेस, हमारी जो मेयो और किंग एडवर्ड की जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स के अपने फैमिली मेंबर्स हैं, एक हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं उनके 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 ससुर मेयो में एडमिट हुए और फिर वहाँ उनका इंतकाल हुआ कोविड से, एक हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर उनके वालिद दाखिल हुए और 2-3 महीने दाखिल हुए, उनका इंतकाल हुआ मेयो में। तो वी हैड वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस विद डीलिंग विद दिस इशू के पेशेंट को कहाँ तक लेके जाना है इन टर्म्स ऑफ लाइफ सेविंग मेजर्स, पर्सनल मीनिंग के अपने फैमिली मेंबर्स या अपने क्लोज जो हमारे कॉलीग्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स के हवाले से। और वहाँ से फिर हमने डिस्कशन शुरू की कि भाई ये सब ये चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ी है, ये पेशेंट की फैमिली सभी फेस कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन जो है कि पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट देना है, कहाँ तक लेके जाना है, कब उसको वेंटिलेट करना है कि नहीं करना है, कीपिंग इन माइंड कि इवेंचुअल आउटकम क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए वेंटिलेशन के, या दूसरे जो जो आपके सामने है कि वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ सेविंग सर्विसेज हैं कि ICU में लेके जाना कि नहीं लेके जाना, NG ट्यूब है, कार्डियक मॉनिटरिंग है, वेंटिलेशन, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस पर डिस्कशन काफ़ी हुई थी कि किस तरह से फैमिलीज को एजुकेट किया जाए, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाया जाए कि ये डिस्कशन पेशेंट की फैमिली के साथ उसी वक्त शुरू हो जाए जब पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, और फिर एक ऑन गोइंग डिस्कशन हो ताकि खुदा ना खास्ता अगर वेंटिलेशन की जरूरत पेश आ जाए तो उस वक्त फिर प्रॉब्लम ना पेश आए।
अगर वेंटिलेटर फॉर इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है, अब जिस तरह वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी अब फिर बढ़ रही है और हमारी थर्ड वेव में लाहौर में वी वर ऑलमोस्ट एट 100%, अगर वेंटिलेटर है ही नहीं, अगर वेंटिलेटर है भी तो फॉर इंस्टेंस अपना जो मेरे जो बेगम के जो खालू थे जो फौत हुए थे, ही वॉज 90+ years old. He was in reasonably good health, but 90 years old, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उनका, एक पुराना हिप फ्रैक्चर हुआ था सारा करके, तो क्या एक 90-year-old या 95-year-old को कोविड हुआ है, आप उनको वेंटिलेट आप उनको आपको करना चाहिए उनको, कीपिंग इन माइंड कि आपके पास वेंटिलेटर वेंटिलेटरी कैपेसिटी आपके पास वो सब चीज़ें लिमिटेड हैं एक, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट एथिकल इश्यूज आ जाते हैं कि अगर आपके पास जो जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज है, सपोर्टिव सर्विसेज है, वो लिमिटेड है, तो फिर आपने किस तरह से उसको एलोकेट करना है मुख्तलिफ लोगों में. और ये एक्चुअली इस पर भी हमने एक हमारे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नादिश ने एक पेपर हमने लिखा है जिसमें हमने ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब डॉक्टर्स को हेल्थ केयर वर्कर्स को करनी पड़ती है तो इससे डॉक्टर्स पे और बर्डन आता है कि आपके पास इतने ही आपके पास रिसोर्सेज हैं और अब पेशेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं तो फिर आप किसको ट्रीट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, किसको आपने यानी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और किसके लिए आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है सर्विसेज की, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है या बेड्स नहीं है या आपके पास दवाइयाँ नहीं है. आप लोगों ने सुना अगर रेमडेसिविर और ये एक्टेमरा ये सारी दवाइयाँ, इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वेंटिलेटर्स की अवेलेबल नहीं है, तो इसको 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 इस डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करें कि किसको कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी किसको नहीं होगी. ऑफकोर्स वेंटिलेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन तो एक लास्ट रिजॉर्ट है, लेकिन वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हॉस्पिटल आपका फिलअप हो गया, आपका वेंटिलेटर इतना ही है, वो सब फिल्ड है, या एक अवेलेबल है दो अवेलेबल है, तो किसको दिया जाए और किस एथिकल बेसिस पे ये डिसाइड किया जाए कि किसको वेंटिलेट करना है किसको नहीं करना. और जाहिर है कि फिर फैमिली को जो पेशेंट के नेक्स्ट ऑफ किन है जो लवाहिकीन है उनको कैसे ऑन बोर्ड लाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि हमारे ख्याल से वेंटिलेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कार्डियक मॉनिटरिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कीपिंग इन माइंड कि हम सब लोग तो डॉक्टर हैं तो ये जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ लिखी हुई हैं ICU और कार्डियक हमें तो समझ आती है, लेकिन जो फैमिली मेम्बर हैं जिनका जिनका माँ या बाप या बहन या भाई या रिश्तेदार जो है वो गैस्प कर रहा है, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, उनको किस तरह से आपने समझाना है कि ये ऑप्शन हैं और ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप क्या करना चाहते हैं वगैरह वगैरह. सो ये फॉर्म हमने उसके लिए डेवलप किया था, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, अभी इस पर काम चल रहा है, हम लोग अभी मेयो में भी इसको इम्प्लीमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अब ये जब भी कोविड की वेव बढ़ती है तो ये मामला ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है जाहिर है. तो इस पे मुलाजिम साहब ने कहा था कि थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेंगे. ये फॉर्म हमने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया था एज अ वे टू एजुकेट अपने डॉक्टरों को, अपनी नर्सिस को, कि फैमिलीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है. जाहिर है कि उस पर आप सिग्नेचर तो फैमिली के करवा ही लेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि फैमिली को आपने अच्छी तरह एजुकेट करके ऑन बोर्ड लिया है, सिर्फ साइन करवाने से इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं हो जाता. अनफॉर्चुनेटली हमारे पब्लिक हॉस्पिटल में कभी कभी एक बाय द वे चीज़ हो जाती है कि साइन करवा लिया बस हो गया ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इशू है कोविड के हवाले से उसमें ये चीज़ ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी देर वहाँ हॉस्पिटल में रहें, मुख्तलिफ किस्म के फैमिली मेम्बर्स आए हैं. तो इस पर मेरे ख्याल डिस्कशन सेक्शन में बात कर लेंगे. मेन पॉइंट्स मेरे यही थे जो मैंने बात करनी थी, मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ और अगर कोई क्वेश्चन और कमेंट्स हैं आई थिंक प्रोफेसर बिल्कीस भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आई विल स्टॉप हियर और आई एम हियर फॉर एनी क्वेश्चन और कमेंट. थैंक यू जी. थैंक यू प्रोफेसर हाशमी. नाउ आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर बिल्कीस टू ऐड समथिंग रिगार्डिंग द साइकोलॉजिकल effects on the patient and the psychological effects on the relatives. Professor Bilkis. Thank you so much, sir. And before I say something, I would request Professor Muaddat Rana. He has been very kind to join. If he could share his experience regarding COVID and psychological health, teachers of teachers. Thank you, sir, for joining. What a great honor, Professor Saiban. Thank you very much for choice of those adjectives that I surely do not deserve. You're ever so generous. It's always a pleasure listening to Ali, and he's very comprehensively, done this work. I just wanted to add one phenomena psychologically, alongside anxiety, depression, et cetera, and all the challenges that are there, that more and more physicians need to be conscious of the cognitive changes that take place in a patient who is in COVID. He's confused, he's disoriented, he's all over the place, and these agitations sometimes are poorly managed. So I think more and more psychiatrists need to reach out
to COVID wards. I do understand the challenges that come with it, but it's very important to bring them on board to handle those cognitive challenges. And they're often missed while they're very easily manageable with the use of effective psychotropic medication. At best, the nurses go and inject a Valium or a Haloperidol, and that often is counterproductive in some of these situations, particularly when you are using so many drugs. The second issue is probably more public health challenge that we need to prepare for right now. And leaders like Professor Mulazim Sahab and several others who are there in the forum, I can see their names, need to keep this in mind that in the days, months and years to come, bereavement issues are going to crop up. People are not able to grieve properly following the death of their family members in due to COVID, and abnormal grief reactions and the complications thereof. We all know that grief in itself, when it is poorly managed and proper grief work does not take place, it lowers the immunity massively and therefore is a contributory factor in the perpetuation of this viral infection. Our cultural grief mechanisms are such that people reach out to you. वो स्वयं होता है और फिर वो नौवां दसवां होता है, जुमेरातें होती हैं, यू नो, सो ऑल दोज वेरी वेरी सपोर्टिव कल्चरल इवेंट्स आर नॉट टेकिंग प्लेस, एंड उससे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ग्रीफ की, उससे जो साइकियाट्रिक और फिजिकल मॉर्बिडिटीज पैदा होंगी, उसकी भी एक अवेयरनेस इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. आई विल नॉट गो एनी फर्दर देन दैट, जस्ट टू हाईलाइट टू यू दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ, पब्लिक मेंटल हेल्थ इशू दैट इज गोइंग टू क्रॉप अप इन द डेज टू कम. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. And this is really an issue which we as physicians also are coming across, the phenomena of bereavement and grief following the loss of their loved ones, not only due to COVID, due to any other disease. And as Professor Ali Hashmi mentioned, COVID has raised awareness about psychiatric illnesses. Professor Mulazim asked me to focus on the psychological manifestations of COVID. I'll just briefly touch upon what actually happens. One is the ICU psychosis in patients with severe COVID, which everybody, I won't go into the details, but everybody knows any patient admitted for any illness in an ICU may undergo this psychosis. This may be contributed by the disease itself. Number two, specifically in COVID, hypoxia may be a contributing factor. Number three, the cytokine storm, the release of the cytokines, interleukin 6, interleukin 12, tumor necrosis factors, and other cytokines which are contributory to the cytokine storm, they may also add to the psychological manifestations. Then number four, the use of steroids. We use steroids in oxygen-dependent patients and in severe COVID and critical patients. The steroids themselves cause psychological manifestations and what we call steroid-induced psychosis. And then the other drugs as well. And then the stress of the illness and the prognosis, as Professor Ali Hashmi talked about the stress of losing one's life. Only recently we have Professor Fariha Tariq with us. She is heading the Department of Forensic Medicine. And Professor Ali Hashmi, he knows about a patient. It was all over the news, so I suppose I can share that specific incidence on this forum. When there was a patient, very young patient, 35 years of age, male, having no comorbid illness, suffering from severe COVID, undergoing hypoxia, was advised intubation one night before a very sad incident. They refused, and this was documented. Everything, the patient was being monitored. In the morning, he took his CPAP mask off, and that led to a reduction of oxygen saturation from 90 to somewhere around 78%.
And then he asked his, this was in the ICU, in the presence about in the presence of about 20 more individuals. About 12 of them were patients. Some were nurses, paramedical staff, doctors on duty. Everybody was present over there. He asked his brother, who was attending to him, standing by the bedside, to go and get something. He just walked out of the door. The patient, he sat on the bedside of the, he sat on the side of the bed, bent his head forward, took a knife, which was the fruit knife, which was on the bedside, and in fact, it was in a locker. He opened the drawer up and he took that knife out and he cut his throat. And we could not believe that suicide could be attempted in this way, in a single go. That is why we requested our professor of forensic medicine, Dr. Faria, to comment on this. And it was after a very detailed scrutiny and inquiry, we found out that he was a farmer and a butcher by profession. And he specifically knew which position would expose his blood vessels the best, and it was by a single cut that he was able to achieve what he wanted at that specific point. So that was a very sad incident, and I would really appreciate how our psychiatry department actually worked on preventing many such deaths. This one query from Professor Ali Ahmadi Hashmi. Your department has been very robust despite the less number of, we all know psychiatrists are very few, despite the less number of your team members, you have been very instrumental in conducting the workshops on psychological first aid. And Professor Ali Ahmadi Hashmi and Professor Nazir Shimran conducted these workshops on two group of people separately on multiple occasions. One were the senior consultants and second, the junior doctors. My question to Professor Ali Ahmadi Hashmi is that what is the difference in the perception perception of psychological stress you came across amongst the two group of attendees of your workshops, number one. Number two, this was started back when we had the first patient in, I think, March. We started holding these workshops, you were holding these workshops back in March onwards, year 2020. Over the last 1.5 years, what difference have you seen? Is there any difference in the behavior of non-psychiatric professionals regarding the management of such patients? And if yes, what is the difference? Thank you, Professor Bilkis. Since we mentioned Professor Nazish, one of the most dynamic faculty members in King Edward, let me also acknowledge Shaukat Ali Javed Saab, who's here. It's her father, and he is the chief editor of one of the three impact factor journals in Pakistan, Pakistan Journal of Medical Sciences. So I'm very happy to see Shaukat Saab here. And I know personally Shaukat Saab, has been very kind to me. So I know where Dr. Nazish gets her energy and her enthusiasm. It's her father is exactly the same way, mashallah. I think as far as junior versus senior doctors are concerned, Professor Bilkis, you are the head of the unit. Senior consultants, of course, have a responsibility not just for the patients, but also for the well-being of their junior staff, clearly. So senior staff actually has a double burden in terms of what they need to be thinking about, what they need to be caring for, or what services they need to be providing. So providing services for the patients and also taking care of whatever's happening with your unit staff members. And then also, being at King Edward and Mayo Hospital being the main referral center for all of COVID patients, for all of Lahore now, we are into our 18 months. Mayo is always the hospital of last resort, and we are happy to provide services when nobody else is able to do so. But you are also expected, we are all expected to also
give our input into government policy decisions, different kinds of meetings, you know, medical legal matters like this unfortunate incident that you described where a person actually committed suicide in a very violent way on the COVID ICU. So all of that is also something expected. So I think senior staff has a whole other level of responsibility and the burden. And, you know, you were one of the subjects of my most recent research where I published a paper on burnout in medical faculty. And so there were several issues that came out in senior faculty of how stressed out and how burnt out they were feeling. And this is independent of COVID. COVID just added another layer of responsibility and burden to it. Junior staff, of course, is stressed out in a different way, which is that they are directly exposed every day to the illness itself, number one. Number two, junior staff, house officers, postgraduate trainees, registrars, senior registrars, are the frontline workers on a day-to-day basis. And they're the ones who actually have to deal with family members, to deal with patients day in and day out, morning, afternoon, night. I mean, you're available. I'm available to my staff members for whatever they need, but I probably cannot be on site at the hospital, at the bedside all the time because I have all these other responsibilities that I'm trying to take care of. So they are actually the foot soldiers, so to speak. They're actually the people who are doing the actual fighting on the COVID front line. And you know, as such, they have more of a work burden in terms of the number of hours that they're putting in at the hospital. Their exposure perhaps to the illness is greater because they are at the bedside and they're being exposed. And so they do not have the responsibility in terms of other people, but they are putting in more hours. They're dealing with multiple family members, and we shouldn't underestimate. You know, doctors are very good at pretending that we are somehow removed from the thing that we treat. That this is something that can't happen to us. But you know, COVID has been a great leveler of that. With COVID, you can't really say with a myocardial infarction patient or a cancer patient, it's easier for a doctor to get some distance. Well, this is not me. I'm okay. This won't happen to me. But with COVID, I mean, it has happened to all of us. So that, you know, that adds another level of stress. And then of course, there's no end to it. This is the problem. This is a global problem. Burnout, fatigue, stress among nurses, healthcare workers, doctors, because the illness is not going away. It's going to stay with us and it's going to keep coming. It's going to keep coming back. You know, our government, given our limited resources as a low-income country, is doing the best they can in terms of vaccinations and all of this. But, you know, it's taking time. We are still only at about 8 to 10% of our population being vaccinated. We'll get up higher in the months to come. But, you know, COVID is probably going to become like dengue or those illnesses where we'll keep getting waves of that as it goes along. So there is no expectation of the burden on healthcare workers reducing in the next 1 to 2 years. It's probably going to stay the same or continue the same way. So that in itself adds another level of fatigue. If we could see some end, it'll end by December, it'll end by March. You know, we could all feel we have to deal with it for a few months and then we'll be over it. But that's not the case. And then, of course, the disruption, junior doctors, you talked about junior doctors, you know, disruption of people's training, you know, house jobs. My own psychiatry trainees have been assigned to COVID wards multiple times for months at a time, which has resulted in total, you know, cessation of their actual training, what they're actually here to do. I mean, we are happy to contribute to the COVID effort, obviously. But, you know, medical students have suffered the same way where, you know, colleges have closed and classes are on and off and on and off. So all of that, you know, at the junior level, that poses a different kind of burden than you had mentioned. So, you know, it's both senior staff and junior doctors are being burdened. Tell me again what your second question was. That following those sessions, do you think they have made any difference to the actual, you know, working management? I think they've made a difference in terms of raising awareness. I've said this multiple times to your face, Professor Wilkes, but we really cannot be thankful enough to people like you who are sensitive to the idea of mental health, to the importance of mental health, to the need for mental health services. So I think it has helped in raising the awareness that this can also be, mental health can also be an issue related to COVID. I think we've only just scratched the surface. We've only just begun to educate doctors because, you know, we are starting from such a
such a primitive level of understanding of mental health, even amongst doctors. You know, I often say that the stigma and the non ignorance about mental health begins with doctors and healthcare professionals. We unfortunately are the ones who contribute to the stigma because we don't understand what mental health is. We don't teach it in our medical colleges. We don't encourage our medical students and our trainees to be aware of these issues. So I think those sessions help. We did that at Mayo, at King Edward, with your help, because we felt it was our duty, given that we were, our doctors and our staff were under so much strain, we felt it was important that we do that for our own personnel. But I think much more work needs to be done. Dr. Harshman, there's something, one very, very, very important question. I can see the frontline fighters on the screen. Dr. Furkan, Dr. Asif, Dr. Vahid, Dr. Dinesh, Dr. Arsalan. I'm sorry if I'm missing somebody, but they are all the, you know, the members of our team who are actually, you know, dealing firsthand on the bedside, in the ICUs as well as in the COVID wards and even otherwise. And Professor Maudit Rana very pertinently touched on the subject of bereavement and grief. My question to you is, what are the red flags? One is bereavement, which everybody goes through. I suppose probably you would, you know, focus on that. What are the red flags that we as physicians and general physicians and non-psychiatric, you know, group of medical professionals should pick, the red flags which we should pick and refer to you? What are those signs we should pick in such patients, COVID and non-COVID? Right. So let me combine that with a comment that's here, which said, what are the associations between psychiatric condition and COVID? So similar to what you just talked about, let's look at some basic facts. So COVID is a systemic viral illness, to my understanding. I'm not a physician. Which means that COVID is going to have effects on the brain. Clearly, all viral illnesses cause some effects on the brain, but COVID, in addition to affecting the entire body, will affect the brain, which means that you need to expect that there will be psychiatric symptomatology with anyone who's diagnosed with COVID. The question that was here was, and you know, we can rephrase it in terms of, so if a person has a history of a psychiatric illness, particularly an illness that has required treatment in the past, then you have to anticipate that that will worsen if that person develops COVID. So it's very similar to, let's say, hepatitis C, right? Or any chronic medical illness. So myocardial infarction, various other, a stroke. I mean, all of these conditions tend to be very closely associated with high levels of psychiatric. And so people with stroke often have very high incidence of depression if they have stroke. People with hepatitis B, particularly people who are treated with interferon and these treatments, have a very high incidence of developing depression, anxiety, even psychosis, other kinds of conditions. In fact, in the US, I'm talking 10 years ago, a person could not receive treatment for hepatitis, interferon treatment for hepatitis C without getting a psychiatric clearance, because if you anticipate that they are going to have psychiatric issues when they get interferon treatment. And so you send them to a psychiatrist beforehand to get some clearance to make sure that it's not a pre-existing condition that will worsen with the treatment that you're offering. So anybody with COVID will develop some psychiatric symptoms, some mental health symptoms, during their confinement, during hospital stay, during ICU stay, whether or not they have a previous history of mental health treatment. If they have a previous history, then the risk is much higher. So that's the first thing you should do, is ask for a history of mental health treatment in the past of any sort. I mean, that, you know, you can ask one or two questions. Have you ever seen a psychiatrist? Have you ever taken psychiatric medication? Have you ever seen a psychologist? Have you had? So this should be part of the standard medical assessment when a person presents with COVID symptoms. Other than that, I think you've already mentioned several things that are important, including confusion in the ICU, you know, agitation, aggression, all of those things. Now, those are sometimes, and Tanas have mentioned earlier a little bit about cognitive changes that can happen with COVID. Of course, when you have oxygen deprivation and all of this, of course, it's going to cause confusion and all those kinds of things.
So in the ICU, there should be ongoing assessment. You can do a simple mental state assessment. You can do orientation questions in the morning. When you do morning round, you can ask questions about orientation, you know, time, date, things of that sort in order to assess. Now, sometimes it gets difficult because as you know, we've dealt with this, Professor Pilkis, in terms of patients who are having difficulty keeping on the CPAP and they're feeling distressed by that and they keep pulling off the CPAP and so on and so forth. So I think I would like to second Dr. Rana's point, which is don't just give them a haloperidol injection. Don't just give them, you know, some standard treatment. It's important to do at least a basic assessment in terms of their orientation, whether they're experiencing any frank cognitive changes before you give them a sedating medication. Now, there was another question earlier in terms of which, you know, which we can sort of combine with this one, which was somebody had said that in COVID, it's important for the family to not be exposed to the illness. And in our culture, where family members expect to be allowed to visit the patient, and, you know, we've had this discussion, Professor Pilkis. In fact, this person that you mentioned used a fruit knife to stab themselves in the neck and actually kill themselves in the COVID ICU because the family had bought them fruit and bought them the knife and they were in and out of the ICU. Now, this is a gross violation of COVID isolation protocols, right? Because in the U.S., you don't have to go to the U.S. You know, we have hospitals here, PKLI, for instance, where patients are not allowed to you know, once you're in the ICU, then you can't just have, because if you go in the ICU, you need to put on your PPE and all of those barriers and precautions and all this kind of stuff in order to prevent spreading the illness to family members. So what should we do? In our context, the family expects to be able to visit, so on and so forth. I think an easy answer would be you designate one family member who can perhaps stay with them in the ICU and not have that person, you know, multiple people exposed to the illness. So there are ways of combining the recommended protocols for treating COVID with our particular cultural circumstances. There are ways to do that. I mean, Rana Saab just mentioned about our morning rituals, you know, Soyam and Kul and so on and so forth. There are ways to do that where you can do it with social distancing, or you can maybe do a hybrid thing where, you know, there are six or eight people who are sitting in person and other people can come by, you know, virtual, you know, on a laptop or something like that. So, you know, it's important. I think the problem we are running into with this fourth wave now and for the last several months is that because everybody's gotten so tired of you know, dealing with COVID, that we are all in, you know, frank denial. Our entire population seems to be in total denial. And by the way, this is not particular to Pakistan. This is happening all over the world, including in the US, where basically COVID denial has become a mainstream sort of thing. People are not getting vaccines, but, you know, denial being, of course, a psychological phenomenon that something doesn't happen, and so you pretend that it's not happening. So I think it's important that we not forget the standardized protocols for treating COVID and continue to educate our population in terms of what should or shouldn't be done, keeping in mind our particular cultural context. Thank you so much, Professor Hashmi. And here I would like to mention that I talked about that one specific case who committed suicide very, very violently. There were a few instances which I'm really grateful to your team who were identified at the right moment. There were, if you remember, there was a female who tried to hang herself from the ceiling wall, from the ceiling fan. And there was another one, there was a male patient who tried to jump off the upper story of the COVID wards. So there were many, plus I know there have been many other ones which you have been attending, and we are very grateful to that, where you keep on, you know, sort of mentioning the team of medicine and anesthesia and pulmonology. I think psychiatry department played a very, very major role in the management of ICU patients. And I think we learned this through COVID more so as compared to the previous years. Thank you so much. And I think I'll hand over to Mulazim Saab for any further interaction, sir. Thank you so much. I think Professor Ashraf. Okay, Mulazim Saab, I think... If it's okay, can I just address one more comment that came in the chat here? Yes. It's talking about
And it's an important topic in terms of how can a doctor or a healthcare worker maintain their own mental health while understanding and accepting that we have to, you know, the work is not going to go away. The work is going to remain at a high level. I think it's, and you know, this is one of my favorite topics, Professor Wilkes, and I have a discussion about that in KE. You know, doctors seem to feel guilty if we take time off. Somehow doctors feel that if we take time for ourselves, that we are taking time away from something, that it's not important to look after our own, in general, it's not important to focus on our own health. And of course, part of that is our training, which is focused on treating illnesses and not necessarily on promoting health. So doctors are really, you know, and I'm a doctor, doctors are really bad at taking care of their own health in a lot of cases, and that includes mental health. So what they had mentioned was, how should we balance work? Nizami from Lahore. I would like to extend my gratitude and thanks to Professor Ali, Professor Salma Kundi Saiba, Professor Bilkis, and Professor Rana for excellent, I mean, their comments and the talk, especially Professor Ali Hashmi, but he has talked all about the COVID and moreover about the issue which as Pakistan Medical Association is ever concerned about the health delivery system and the shortage of the specialties which are need of the time. थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कोविड की खातिर एक जो सिंड्रोम आई है पोस्ट कोविड सिंड्रोम विच इज दैट डिप्रेशन एंग्जाइटी विच डॉक्टर अली हैज टॉक्ड अबाउट इट और दुनिया के अंदर के बहुत ज्यादा और हम जितना समझते हैं माई सेल्फ इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हर तीसरा बंदा जो हमारे साथ इवन इन द ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी जो हम लोग देखते हैं वो डिप्रेशन या एटलीस्ट एंग्जाइटी का तो डेफिनेटली वहां पर होता है अगर हर दूसरा नहीं है सो ये मैं समझता हूँ कि दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट एंड अ पेशेंट विद द कोविड द सफरर ऑफ द कोविड और हमें ये समझना चाहिए दैट वी हैव टू लिव विद द कोविड और जो भी अभी वक्त हमारे साथ जाएगा एटलीस्ट टू ईयर्स और जो साइंटिस्ट कहते हैं वो हमारे साथ ही होगा फिर आपने जो फरमाया कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स की खातिर आई एम श्योर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पर्टिकुलरली CPSP आप दोस्त और प्रोफेसर बिल्कीज प्रोफेसर गोंदल और सारा कॉलेज जो अच्छे तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बेहतर हो एंड मोर ओवर हाउ टू ब्रेक द बैड न्यूज और ऑन बोर्ड लेने की खातिर और आपने जो प्रोटोकॉल के लिए दिखाया कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर आप फॉर्म भी बना रहे हैं I believe that these are the simple basics and at the level of the undergraduate level we have to. मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जब 2005 का जल्जला आया तो हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज के जाके काम किया लकीली आई वॉज बीन ऑनर्ड मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर कैसर सज्जाद हैं कराची से हमारे दोस्त काजी साहब हैं तो हम सब दोस्तों ने जो था पूरे मुल्क ने वहां पे काम किया हमने एक साल से ज्यादा वहां पे काम किया एंड बीइंग अ लीडर ऑफ दैट टीम जिस नतीजे पे मैं पहुंचा देखने की खातिर के हफ्ते के बाद जो डिप्रेशन है हमारे सर्विंग डॉक्टर्स नर्सेज और वो लोग जो वहां असिस्ट करते हैं दे आर अंडर द डिप्रेशन सो वी मेड अ रूटीन के मैक्सिमम 7 days पीपल विल सर्व एट द जो वहां पे हमारे एरियाज हैं अर्थक्वेक हिट एरिया और बाकी लोगों को और अभी जो दुनिया ने भी ये किया और पाकिस्तान के अंदर आम शोर के हॉस्पिटल के अंदर भी ये चीज इंप्लीमेंटेड थी इट वॉज बीन इम्प्लीमेंटेड के ICU के अंदर जो वर्किंग आवर्स होंगे या कोविड वार्ड के अंदर जो वर्किंग आवर्स होंगे वो कम रखे जाएंगे आई थिंक इट वॉज अबाउट 6 hours और 8 hours वी स्पोक अबाउट ऑल दैट और आई एम ग्रेटफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उन्होंने हमारी ये बात मान ली थी कि लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बचाना चाहिए indeed, I'm very much thankful and impressed by all that. But the COVID era, still we have to do a lot ke iske baare mein logon ko understanding karne ki khatir. Aur particularly, ye jo speciality aapki psychiatric aur uska hai, main samajhta hoon ke we have to talk about it aur hume apna kirdaar kitni taur pe ada karna chahiye. Again, thank you very much, Ali, for your wonderful talk. और आपने थोड़े से वक्त के अंदर मैं समझता पूरी साइकेटिक और हमारा जो सोशल इश्यू है दैट यू हैव टेकन इन अकाउंट टू थैंक यू वेरी मच इंडीड थैंक यू प्रोफेसर बिल्कीज अगर आपकी इजाजत हो एक वो जो बात चल रही थी पहले कि डॉक्टर कह रहे हैं कि जी हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह मेंटेन करें सो
मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करता हूँ और आप लोग उससे टिप ले सकते हैं। प्रोफेसर बिल्कीस तो वाकिफ हैं, जो मेरी जो मेंटल हेल्थ रूटीन है उसमें वर्जिश शामिल है। मसलन के आज सुबह मैंने को तकरीबन 28 किलोमीटर साइकिल चलाई है और बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ा अच्छा नज़ारा था उसमें। सो मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ के ऊपर बिल्ड होती है। मेंटल हेल्थ इज बेस्ड ऑन अ बेस ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ। सो अपनी नींद पूरी करना, 6 से 8 घंटे रात को नींद पूरी करना डॉक्टरों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्लिनिक होता है रात को, लेट होता है, सारा होता है ये वो। अपनी डाइट को ठीक रखना, यानी डाइट से मुराद हेल्दी डाइट रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ऑफकोर्स जो यानी नशा आवर अद्वियात हैं या इस किस्म की जो हार्मफुल हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, उस चीज़ से परहेज करना। ये तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में, और जाहिर है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाती है, अगर फिजिकल हेल्थ मेंटेन रहेगी, और उसके लिए अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। डॉक्टर्स को मैंने पहले कहा कि डॉक्टर्स को एक परेशानी होती है, एक एक गिल्ट का एहसास होता है अगर डॉक्टर्स अपने लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए वक्त निकाल के अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करेंगे, मेंटल हेल्थ जो है उसके वो ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आप इंजॉय करते हैं, टाइम ऑफ लेना। कल प्रोफेसर असगर नकी हमारे सीनियर एक स्टाफ मेंबर हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा यार अली तुम छुट्टियां बड़ी करते हो, कभी कहीं गए होते कभी कहीं गए होते। मैंने कहा जी वो मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का तरीका है। सो क्योंकि मुझे वो गिल्ट कॉम्प्लेक्स कम है कि मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ, आप लोग हैं उनको ज्यादा, तो इसलिए वन शुड नॉट बी शाय ऑफ टेकिंग टाइम अवे फ्रॉम वर्क। क्योंकि जब आप टाइम अवे फ्रॉम वर्क लेते हैं, जब आप थोड़ा वक्त निकालते हैं अपने लिए, तो फिर आप काम करने जब वापस आते हैं तो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं, आपका बर्नआउट कम होता है और आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर आप टाइम नहीं निकाल रहे अपने लिए तो आपकी फटीग, जैसे जैसे मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग, मेंटल फटीग बढ़ रही है, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है। तो अगर आप 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, फिर 80% पे, फिर 50% पे, फिर 20% पे, और अगर आपने टाइम ऑफ लेके दोबारा 100% एफिशिएंसी पे आ गए हैं, तो फिर वो टाइम ऑफ जो है वो एक्चुअली आपके वर्क में ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन ये एक एक बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को समझने में दिक्कत इसलिए भी होती है कि हमें लगता है अगर हम अपने लिए वक्त ले रहे हैं, अगर हम मरीज नहीं देख रहे हैं, अगर हम अस्पताल में नहीं हैं, अगर हम पढ़ा नहीं रहे हैं, तो somehow हम कोई गलत काम कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए आप ले रहे हैं, जो भी आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जिस चीज को भी आप एंजॉय करते हैं, वो एक्चुअली आपके काम में आपको मदद करेगा, आपकी काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप काम बेहतर तौर से कर सकेंगे उसके बाद आके। सो ये बुनियादी सी चीजें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी एक्टिविटीज के लिए टाइम लें, जो भी आपकी हॉबीज है उसके लिए लें। प्रोफेसर बिल्कीस एक दो सवाल इंटरेस्टिंग आए थे। एक सवाल आया था, किसी ने लिखा था जी कि एक पेशेंट था, वो डिप्रेशन उसको बहुत अर्सा रहा, किसी ने एक्स एंड पेन्स की बात की कि जी उसके गर्दन में दर्द था ये वो, और एक बड़ा अच्छा एक सवाल था यहाँ पे, किसी ने मेंशन किया हैप्पी कोविड, कुछ लिखा इस तरह था, perhaps you can talk about the possibilities के पेशेंट होते हैं जो कि 75% ऑक्सीजन सेचुरेशन पे होते हैं और माइनर सिम्टम होते हैं और उनको रिकग्नाइज करना मुश्किल होता है, तो उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें, लॉन्ग कोविड की बात हुई है जिसके फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम चलते हैं, तो जी प्लीज गो अहेड। जी ये जी हैप्पी हाइपोक्सिया की मेरे ख्याल में आप बात हो रही है, बट हैप्पी हाइपोक्सिया डजंट इज द हैप्पीनेस इज ऑफ द फिजिशियन नॉट ऑफ द पेशेंट। द थिंग इज दैट द पेशेंट इज हैविंग हाइपोक्सिया, सैचुरेशन बिलो 90% इज एंटरिंग द सिवियर स्टेज, इज माइट बी डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, बट एज येट द सिम्टम्स आर नॉट फुली डेवलप्ड, that is known as happy hypoxia. So patient happy nahi hota, physician happy hota, if that is what the question was about. And yes, definitely COVID, with COVID we have seen that there is, I think every physician which is on the forum would agree with me that we have seen patients with marked involvement of the lungs, especially during the Delta wave, with the patient being in the younger age group and not having any comorbid, so highly unsuspected individuals coming with just for just on outdoor basis or in our clinics, and when we figure things out, they turn out to be either in the moderate or in the severe phase, and as yet they are not so symptomatic, and sometimes the symptoms may not be related to the respiratory system
especially in the Delta variant. We have been discussing it during our last discussions over the last 2 weeks. They may be presenting with gut symptoms. They may be presenting with totally unrelated systemic involvement, like stroke. Somebody talked about myocardial infarction. So yes, we are coming across patients with lung involvement, but not primarily with respiratory symptoms. So if you were asking about happy hypoxia, happiness is on the part of the physician, not the patient. Patient might relatively asymptomatic, and you might not be suspecting hypoxia. You check the saturation, and the saturation turns out to be less. So, Professor Bilkis, public health ke wale se bade important comments hain, and it is about vaccines or pregnancy or vaccines or conception. Kisi ne kaha hai ki ji best vaccine recommend karein pregnant females ke liye, aur kisi aur ne kaha hai ki ji conception or vaccine ka koi problem to nahi hota, because this is very important. You remember COVID misinformation jo bahut zyada phaili hui hai, jiski wajah se vaccine refusals ho rahe hain aur problem ho rahi hai, us pe bhi humne ek webinar kiya tha. ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हुई है वैक्सीन के हवाले से, किसी ने पूछा कि वैक्सीन कौन सी बेहतर है प्रेगनेंसी के लिए, और किसी ने कहा जी कि कॉन्सेप्शन और वैक्सीन के बारे में, यू कुड टॉक ब्रीफली अबाउट दैट. Yes, definitely, though it is not related to the psychology, or maybe it is, because conception is a part of, one of the biological needs of the of an individual to bear children and to enjoy motherhood and fatherhood. One thing is that this disease has been with us since it was declared an epidemic in Wuhan back on the 26th of December, 2019. And we have spent, the world has spent almost 2 years with this disease. And over these 2 years, we have learned a lot. The vaccination was initially started back in USA, starting off with Moderna and Pfizer in March. And since then, we have learned a lot. Initially, the studies were going on. We were trying to find out whether it's safe during pregnancy, whether it's safe during the breastfeeding, whether it's safe to bear children following vaccination. Now it is fully proven that, please make it very clear that it is safe for during the preconception stage, preconception period when you are planning a pregnancy, it is safe. Number two, if you are pregnant, it is safe. Number three, if you are breastfeeding following pregnancy, it is safe. So it has been seen now. This is a very pertinent question, and obviously, indirectly, it is related to the psychological well-being as well. Yes, you can bear children, you can breastfeed, and you can have this vaccination during pregnancy. This answer has been this question has been answered following extensive research all over the world. Okay, Dr. Bilkis, my name is Dr. Qaisar Sajjad. I just wanted to clear what the gynecologist, I have asked so many gynecologists, few of them replied me that it is better to have the vaccine after first trimester. So majority of gynecologists, as you said, that that vaccine can be given in any time of pregnancy, but why the few gynecologists prevent their patient don't have a jab in first trimester? Is it true? Or if not, to please from your platform or from the gyne-ops platform should be clearly given, because I am all the time in media and I represent Pakistan Medical Association as a secretary general. I have to inform people the correct version or correct view of the issue. So what should I say the people? I'm saying that there is no harm, that according to the WHO, that the vaccine can be given in the first week of pregnancy. Is it true? Then tell me, please. Thank you. Thank you so much. Dr. Khaled, Dr. Kesar, yeah. Can I reply this? Okay. Yes, please. There is no contraindication. There is no contraindication of giving the jab
in first trimester or in second trimester or in third trimester. ये हमारे अपने फिजिशियन को ही नॉलेज नहीं है, ये हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को ही नॉलेज नहीं है, बिकॉज दे नो दैट एवरी मेडिसन कैन बी प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. दैट इज वाई दे आर कोरिलेटिंग विद द जैब एंड द अदर मेडिसन. बट द WHO, CDC एंड द अदर फोरम आर अलाउइंग इन अमेरिका एंड अदर पीपल दे आर अलाउइंग to give the jab in the first trimester. There is no, especially the mRNA. Regarding the viral vector, they are just for first semester, and the under 40 year of the females, there is some contraindication. And regarding the Sinopharm, again, there is no contraindication. Actually, we have to create the awareness among our gynecologists, among the other physicians. This is the problem there. Okay, one thing more I would like to ask Dr. Bilkis, or probably you can say that the people are asking which vaccine is more safe and beneficial for the pregnancy. Doc sahab, hame bataein kaun sa vaccine lagana hai, meri bahu pregnant hai, meri begum pregnant hai, kaun sa vaccine sahi rehta hai. तो व्हाट इज द आंसर? हम हमारे यहाँ जैसे मोस्टली जो है इस वक्त भी साइनोफॉर्म और साइनोवैक लग रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो हम इसको क्या कहें कि भाई आप मॉडर्ना लगाएं, फाइजर लगाएं, वो तो अवेलेबल है नहीं. तो क्या हम पेशेंट को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करें, मेंटली डिस्टर्ब करें कि जी डॉक्टर ने तो मुझे कहा है कि मॉडर्ना लगाएं, वो सेफ रहता है, बट दैट मॉडर्ना इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, क्या करें? फिर वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो कहीं से खरीद के मिल सकता है, कहां पे मिल सकता है, क्या मैं दुबई से मंगवा सकता हूं? मतलब यू नो कि इस तरह की बातें लोग करते हैं डिस्टर्ब होके. दिस इज ऑल्सो अ मेंटल टॉर्चर. तो बीइंग ए डॉक्टर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर आवर दैट द पेशेंट शुड बी क्लियरली रिलैक्स इन दिस सिचुएशन कि डॉक्टर कह रहा है विद फुल कॉन्फिडेंस कि जी मैं जैसे कहता हूं कि जी विच एवर इज अवेलेबल, just go ahead and have a vaccinate yourself. Is it true or not? kya ya hum koi categorize kare ki pregnancy mein ye preferably hai ki aapko ye lagna chahiye? Bukhari sahab, if I could answer that, or you could Dr. answer please, may I answer? Yes. May I answer? Yeah, sure. Social issues zyada ban gaye hain nisbat medical issue ke. मैं शेयर करना चाहूंगा कि देखे व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, और डॉक्टर कैसर सज्जाद वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि वी हैव टू यूज द वैक्सीन व्हिच इज अवेलेबल रिगार्डलेस ऑफ द एफिकेसी के कितने परसेंटेज होगा इंटरनेशनली देखी जाती है. और सबसे सेफेस्ट व्हाट वी आर सेफ ओवर हियर इन पाकिस्तान एंड व्हाट वी आवाज चली गई निजामी साहब के अंदर हमारे यहाँ अवेलेबल है. दीज आर द मोस्ट जी सर मेरा ख्याल आवाज आ रही है. जी दीज आर द मोस्ट सेफेस्ट दीज आर द मोस्ट सेफेस्ट वैक्सीन व्हिच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान. वी शुड बी वेरी मच लाउड एंड क्लियर अबाउट इट कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द वैक्सीनेशन अबाउट द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन. वी हैव टू प्रमोट. अभी आई एम थैंकफुल के फैसल सुल्तान साहब को मैंने कभी कभी एक मैसेज करके रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि इसी इश्यू के ऊपर कि गायनी और जो डॉक्टर्स हजरात एंड टू नो मतलब प्रोफेसर बल्कीस विल बेयर मी आउट कि हमारे यहाँ ऐसे सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं जो अभी तक यही नहीं समझने के साथ कासिर है कि जी कोरोना है और कोरोना के बारे में हमें क्या करना चाहिए. आई थिंक कि दोज गाइडलाइंस विच आर बाय द WHO एंड दी हमारे यहाँ जो हमारे सीनियर्स NCOC हमें उनके साथ जो है वैक्सीन अवेलेबल है दैट हैज टू बी यूज्ड एंड वेरी क्लियरली इट हैज बीन सेड बाय प्रोफेसर मुलाजिम साहब और बाकी के इट इज अ सेफेस्ट इन द प्रेगनेंसी इन द जब आप फीड करवाती हैं. तो मैं समझता हूं कि कैसा आपको और हमें और बाकी दोस्तों को भी और डॉक्टर बिल्कीस और बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि दे शुड कम फॉरवर्ड और इसके बारे में जितना भी ज्यादा हम बता सके लोगों को कन्विंस कर सके वो हमें करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. ओके थैंक यू सो वेरी मच. आई एम रियली ग्रेटफुल टू प्रोफेसर अली हाशमी साहब
to Professor Balkis Saiba, Professor Malazim Hussain Saab, to all the PMA people, the grand PMA people who are here with me, Kaiser Sajjad Saab, Qazi Wasit Saab, Nizami Saab, the Professor Rashid Saab, and all the people from Punjab, the great minds who are here on this forum today, from KBK and Sindh Balochistan. Thank you for being here today. It was a lovely event. It was a lovely talk. And I hope to meet you all next Sunday, inshallah ta'ala. Have a great day. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Agbati. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, Professor Salma Kodi.